हेलो माय सुपर बेबीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक जबरदस्त ब्रेकफास्ट रेसिपी। यस, इट्स रियली रियली गुड, फुल ऑफ विटामिन्स, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ बेनिफिट्स इन शॉर्ट। आगे जाने के पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रिंसेस प्रियंका को, और जो घंटा है उसको भी क्लिक कीजिए। और मेरा एक दूसरा डेली ब्लॉगिंग चैनल भी है जहाँ मैं ट्रैवल सीरीज भी करने वाली हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी इफ यू कुड गो देयर एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो। वहाँ भी एक घंटा है, उसको भी क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवल सीरीज वहाँ लेके आने वाली हूँ। सो या येस्टरडे ही मैंने कोरिया का एक छोटा सा व्लॉग उधर डाला है, तो प्लीज देख लीजिए। लिंक्स, सभी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। आज का जो रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छा है, पर इट्स नॉट ओनली जस्ट फॉर वेट लॉस। जब मेरा वेट लॉस जर्नी होता है ना, मैं वो ही नहीं खाती हूँ जो मेरे को वेट लॉस में मदद करती है, मैं बाकी सब भी खाती हूँ जो मेरे स्किन को हेल्दी रखे। बिकॉज एज आई एम एजिंग, मेरा स्किन डैमेज हो सकती है और पिगमेंटेशन आ सकती है और रिंकल्स आ सकती है, तो वो सब ध्यान में रखना है, बालों का भी ध्यान में रखना है, तो वो सब मैं इंक्लूड करती हूँ, जस्ट नॉट फॉर वेट लॉस। तो सभी ये खा सकते हैं, इट्स जस्ट नॉट टारगेटेड फॉर वेट लॉस, बट वेट लॉस के लिए तो बहुत ही सही है। इवन इफ यू वॉन्ट लाइक हेल्दी हेयर, इफ यू वॉन्ट ग्रेट ग्लोइंग स्किन एंड हेल्दी हेल्थ, बोन्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये सब ध्यान में रख के मैं मेरा मील्स बनाती हूँ। और दूसरा चीज, आई ट्राई माई बेस्ट टू फॉलो ब्लड ग्रुप डाइट, टफ है बट मैं ट्राई करती हूँ, तो वो भी मैं ध्यान में रखती हूँ। वो इंग्रेडिएंट्स भी मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ मेरे डाइट पर हर दिन, सो दैट आई कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स विद व्हाट एवर आई ईट। तो ये सब ध्यान रख के मैंने एक अच्छी सी ब्रेकफास्ट मील तैयार किया हुआ है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बादाम का दूध, बादाम बटर, ये सब ना बहुत सही है हमारे लिए। इसका जो क्वांटिटी है आप कम कर सकते हो एज पर एस योर नीड। ये जो ब्रेकफास्ट है ना, महंगा ब्रेकफास्ट है, पर इसमें भरपूर विटामिन डी है, कैल्शियम है, जो मुझे चाहिए, हम सबको चाहिए, स्पेशली वुमेन। तो वो सब मैं ध्यान में रख के ये ब्रेकफास्ट बनाया है। मैं दूध नहीं पीती हूँ, मैं डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाती हूँ, तो जिसमें लैक्टोज है मैं खाती ही नहीं हूँ ऑन डेली बेसिस। तो वो सब जो मैं मिस करती हूँ उससे मुझे आमंड्स में मिलती है, और दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स मेरे हेल्थ को बहुत खराब करती है, मेरे स्किन को बहुत खराब करती है, मेरे पेट को बहुत खराब करती है, मेरे बालों को भी बहुत खराब करती है। तो जितना कम मैं इंटेक करती हूँ दूध को, उतनी अच्छी होती है मेरे सेहत के लिए। एंड दिस हैपेंस मोस्टली विथ ओ ब्लड ग्रुप। जितना कम आप डेयरी प्रोडक्ट्स इंटेक करती हो उतनी अच्छी रहेगी आपके लिए। दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मेरे को लगती है कि ये आपको बहुत मदद करेगी, पर उसके अलावा आपको एक्सरसाइज भी करनी है, 15 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। छोटा सा वॉक के लिए जाओ, क्रॉस ट्रेनर करो, योगा करो, कुछ भी करो, बट 15 मिनट करो। एज फॉर मी, मैं वॉक करती हूँ एनीवेयर बिटवीन 4 to 7 kilometers ऑन डेली बेसिस, और मुझे और शक्ति है तो मैं क्रॉस ट्रेनर करती हूँ आधा घंटा या 1 आवर, और ये सब बहुत मदद करती है मेरे को। अलोन डाइट माइट हेल्प, पर इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसीजर। आपको फटाफट वेट लॉस करनी है तो एक्सरसाइज भी करनी है, और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपका लंच और डिनर भी सही हो। आप ब्रेकफास्ट में ये पियोगे, लंच के लिए आप जबरदस्त ऑयली खाना खाओगे और रॉन्ग खाना खाओगे, और डिनर भी ऐसा खाओगे, तो आपका वेट लॉस बिल्कुल नहीं होगा। आपको ब्रेकफास्ट भी अच्छी खानी है, लंच भी ठीक तरह से खानी है। आप ध्यान रख लीजिए जो आप खाते हो, और डिनर के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ आप फ्रूट्स खाओ एनीवेयर बिटवीन 6:30 to 7, ये बहुत जल्दी आपका वेट लॉस करेगी। सीरियसली, हैव फ्रूट्स, अ बोल ऑफ फ्रूट्स विच इज राइट फॉर यू, वो फ्रूट्स आप खाओगे ना एनीवेयर बिटवीन 6:30 to 7, बहुत ही सही रहेगी आपके लिए। दूसरा चीज है, आपको भूख लगेगी उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स खा लो। यस, भरपूर में नहीं, थोड़ा सा, वो भी ड्राई फ्रूट्स जो आपके लिए सही हो। लाइक फॉर मी, मैं खाती हूँ वॉलनट्स, पाइन नट्स, आमंड्स, पम्पकिन सीड्स, रोस्टेड पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब मुझे जब भूख लगती है ना ये सब मैं खाती हूँ। और मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ फ्रूट्स के ऊपर भी फ्लैक्स सीड पाउडर, वो भी मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ। तो वो सब आपको ध्यान रखना है, आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूंगी आगे आगे, तो अभी जाके आप देख लीजिए जो मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए।
तो ये है बादाम का दूध और मैं इस ब्रांड से पसंद करती हूँ। दूसरे ब्रांड से मैंने ट्राई किया हुआ है पर थोड़ा सा एलर्जी होता है, इस ब्रांड से नहीं होता है और मैं चॉकलेट फ्लेवर चूज़ करती हूँ। फिर हमें चाहिए आमंड बटर, इसमें हनी और फ्लैक्सीड भी होता है तो मुझे अलग से फ्लैक्सीड नहीं डालना है इसमें। ये बटर बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही सही है हमारे सेहत के लिए। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है हमें चाहिए केला, ये इलायची केला है, पका हुआ केला, तो हमें चाहिए 3 या 4 छोटा इलायची केला। इलायची केला तो छोटा ही होता है राइट, तो उसको अच्छी तरह से चॉप कीजिए। और फिर हमें चाहिए 3 या 4 वॉलनट्स और थोड़ा सा पाइन नट्स। ये ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हो जो आपको पसंद है, ये मुझे पसंद है तो मैं ये डाल रही हूँ। सभी इंग्रेडिएंट्स मैं डालने वाली हूँ ब्लेंडर में। ये जो क्वांटिटी है ना बेबीज, ये मेरे डैड के लिए भी है, ये मेरे लिए भी है, तो आप अकॉर्डिंगली बना लीजिए। इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 टीस्पून बटर और उसके बाद मैं डालने वाली हूँ 1 कप बादाम का दूध। अच्छी तरह से मिक्स करने वाली हूँ ब्लेंडर में और ऐसी दिखती है हमारी ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट। मेरा जो ब्रेकफास्ट होता है ना तगड़ा होना ही है सीरियसली, तो ये है सुपर तगड़ा वाला ब्रेकफास्ट। तो काश आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर बेस्ट फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर लव्ड वंस बेसिकली, क्योंकि आपको पता नहीं किस किस को हेल्प करेगी। शेयरिंग इज केयरिंग, इट विल हेल्प समवन और द अदर। एंड ऑल माय सोशल मीडिया लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना क्योंकि वहां मैं अपडेट्स करती हूँ, लाइव अपडेट्स, तो वहां भी फॉलो करना, स्नैपचैट पे भी फॉलो करना, मेरा बहुत सारे अपडेट्स होने वाली है, तो यस डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट एंड सी यू लेटर इन अनदर वीडियो वेरी सून। Bye.